फिलहाल तो हम आए थे मौसी के यहाँ, तो नीरज मिले हैं, इनसे थोड़ा कॉपीराइट आ जाता है तो उसके बारे में थोड़ा पूछना था। और क्यों मुझे तो नहीं आता वैसा, खाली ब्लॉग करता हूँ सीधा साफ सुथरा। ब्लॉगिंग में जो काफ़ी एडिटिंग सीखनी पड़ती है वो मेरे को आता नहीं है, तो थोड़ा इससे समझता हूँ। मैंने मतलब मुझे गाइस ना वैसे ना शौक नहीं था ब्लॉगिंग का, सबसे ज़्यादा जोश भरा इसने। मतलब जो आजकल वो चलती थी, पहले टिकटॉक वगैरह चलता था, शॉर्ट वीडियो चलती थी, वो सब ये करा करता था। पर मेरे अंदर ऐसा दिमाग में आया कि मैं खुद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब मैं वैसे इंस्टाग्राम वगैरह नहीं, इंस्टाग्राम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन स्नैपचैट पर मेरे तकरीबन 38 लाख व्यूज हैं, 38 लाख लगभग उस पर व्यूज हैं, जिस पर कुछ पैसे आता नहीं। अगर वही चीज़ यूट्यूब पर होती मेरे तो काफ़ी पैसा आ जाता, लेकिन नहीं। मैं आज यही चीज़ पूछ रहा था कॉपीराइट में, तो वगैरह रहने तो अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो वह पूछ लिया है, मौसी अभी गई है कहीं, मौसी मेरे को मिली नहीं है। कल है होली का त्यौहार, तो इसलिए हम आज मिल लिए इससे। अब कल मैं आ नहीं पाऊँगी, मैं होली के दिन पसंद नहीं करता ज़्यादा इधर उधर, क्योंकि काफ़ी माहौल बेकार है आजकल का यहाँ पर दिल्ली में। वैसे माहौल ख़राब है आजकल, आप देख रहे हो न्यूज़ वगैरह काफ़ी, तो इसलिए अपने घर में मस्ती से अपने आराम से छोटी मोटी होली अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, और बस आराम से आराम करेंगे। और बाकी जो होली का दहन है वो अभी होने वाला है, तो मैं वहीं से अभी जाऊँगा, तो देखते हुए जाऊँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा। चलिए गाइस चलते हैं, अब चलते हैं घर, और जो रास्ते का व्यू वो दिखाऊँगा, और घर पर क्या हो रहा है वो भी दिखाऊँगा आपको। चलिए चलते हैं फिलहाल। मैं ड्यूटी से लेट आता हूँ, रात को 11 बजे से बज चुके हैं, और पायल मेरी रोज़ रोज़ कहती है पापा कुछ सामान ले आओ, गुजियाँ बनाएँ, क्योंकि अब आ गई है होली। तो देखते हैं, अभी नाराज़ हो जाएगी, परेशान तो होगी, क्योंकि 3-4 बार कॉल कर चुकी है, पापा कब तक आ रहे हो कब तक आ रहे हो। देखते हैं, गाना बज रहा है, खोलो पायल। शौक भी बंद कर दो। क्या बन रहा है? गाइस आ गए हैं हम यहाँ पे। पायल क्या बना रही बेटा? गुजिया। तेरे को आती है? ये भुजिया कह रही है, गुजिया बना रही है। 3-4 कॉल कर चुकी, कब तक आ रहे हो कब तक आ रहे हो, दिखा देखता हूँ, दिखाते हैं गाइस। अब देख क्या है, पायल भी नहीं बना रही, क्या बना रही बेटा? गुजिया। मम्मी सिखा रही तेरे को है? अच्छा बना, अच्छा देख रहा हूँ, छत से रोज देख रहा है कब बने मैं कब खाऊं। क्या है कल? कल छोटी होली है। अच्छा बलून वलून लाएंगे, पन्नी लाएंगे, सबको मारेंगे। अच्छा कौन सी, वो तूने कर दी खराब क्या? क्या पिचकारी? ठीक है ठीक है, ये पिचकारी है। पायल तेरी पिचकारी कहाँ है? परी उठा के रख दे, पिट्टी आ गई, पिट्टी काट दे उसकी। तरफ ये तो रोहित की है पिचकारी, ये नन्हे की पायल की है। चलो पायल बना दी गुजिया, देखते हैं गाइस अब नंदनी क्या कर रही है। पायल तो बना रही है गुजिया, रोहित गया छत पे वाले ने, और नंदनी को देखते हैं नंदनी भी। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात है, नंबर एक सब रोहित का, जो कि 20 तारीख को था, तो रोहित के अपॉइंटमेंट आई है 2 विषय में। उसके बाद दूसरा 22 तारीख को थी पायल का रिजल्ट, जिसमें 3 विषय पे अपॉइंटमेंट आई है, और नंदनी का एक भी विषय में नहीं आई है, वो मतलब 8th से 9th में पहुँच गई है। बहुत अच्छी मेहनत की लड़की ने, बहुत खुश हुआ मैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मेहनत करते रहें, बढ़ते रहें, बहुत मन को बहुत छू जाती है बातें जब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा रोहित ने निराश किया है, वो भी थोड़ा धीरे धीरे अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगा। थोड़ा हमारे अंदर भी कमी थी, अब वो मैं पूरी नहीं करूँगा उसकी जिद पूरी, तो पढ़ेगा थोड़ा ध्यान देना चाहिए मुझे भी। और घर पर आ गया हूँ तो देख रहा हूँ नंदनी और पायल गुजियाँ बना रहे हैं भाई। मम्मी भी बना रही है उसकी, मम्मी तो जैसे बना ही लेती है, बट हमारी नंदनी कितनी प्यारी प्यारी गुजियाँ बनाती है गाइस। तो आप लोग आइएगा और जो गुजियों का टेस्ट होता है वो कीजिएगा होली पे। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको नंदनी कैसे बना रही है। दोनों बहनें बना रही हैं, ये देखो नंदनी बना रही है और ये पायल है, मम्मी है, ये देखो गुजियाँ बना रही है मम्मी। अपनी गाड़ी में नया टायर डलवा रहे हैं सीएट का, ये देखो बढ़िया टायर है, कट लग गया था एक हाईवे पर जाते वक्त तो चेंज करा दिए। तो मोहित आ गया, पायल भी आ गई, टायर डलवाने के दोनों आ गए बच्चे है। देख ऋषि का टायर घूम देगा अभी, देख गाइस हमने ये भी डलवा दिया नया, दोनों टायर आगे नए हो जाएंगे अब। भाई गाड़ी किस तरह लगी है, दोनों अलाइनमेंट वगैरह करा दी, भाई बबलिंग कर रही थी थोड़ी, बैठी हुई है अंदर चुई है बैठी हुई भाई गाड़ी में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो गाइस आज हम हैं और मेरा भतीजा आ गया है टायर डलवाने के लिए, है देखो मोहित बाबू। हाँ भाई क्या करने हैं अपन यहाँ पे? टायर डलवाने, टायर डलवाने आ गए हैं।
डलवा लेते हैं टायर, क्योंकि कट लगा था सब स्कूटी वगैरह का टायर है। पूछ रहा है मेरे से किसका टायर है। अबे टायर तो किसी के भी होंगे, वो स्कूटी के हैं, इधर गाड़ियों के लगे हैं, तो किस चीज़ के लग रहे हैं। तो गाइस ये स्कूटी के ऊपर के स्कूटी की ही हैं, बाइक वगैरह के हैं, स्कूटी के हैं, नीचे कारों के हैं, ये देखिए। तो चलिए गाड़ी हो गई तैयार, तो गाइस ये बता दो कौन सा है टायर, कौन सा है, किसका है टायर बता रहा है। ये होगा इंडिवर का। अरे आपका भी बता देना है, ये भी बता दो गाइस। अच्छा ई रिक्शा देखो 30% वेट मांग रहा है, है ना। फिर से देखो 10 ग्राम फिर वेट आ गया इधर, ये भाई लगा रहे हैं इधर, ये देखो वेट आ रहा है, तो ये लगा रहे हैं अब। जाओ ठीक है, जाओ ऋषिका तो जा रही है, जा रही है ऋषिका, गई ऋषिका, डर रही है। मैं अपनी गाड़ी ले आया हूँ, अलाइनमेंट भी इन बैलेंसिंग दोनों कराने हैं। अभी दो टायर इसमें डाले हैं, अब हो रही है इसकी अलाइनमेंट। इससे पहले भी इन बैलेंसिंग हो चुकी है टायरों की, तो गाइज कोई भी कमी इसमें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि गाड़ी चलती है रूटीन से, और कोई दिक्कत बीच में आ जाए तो बड़ी टेंशन होती है, टेंशन पालने का नहीं। तो गाड़ी अपने बिल्कुल एकदम तैयार रखो, गाड़ी में टायर तो हमेशा नए होने चाहिए, साफ सुथरे टायर होने चाहिए। और ये देखिए इसे हैंडल्स का बता रहा, जो भी है अलाइनमेंट हो रहा है इसका, ये स्किन बता रही है इसकी। तो चलिए गाइस हम कराने हैं अलाइनमेंट वगैरह, व्हील बैलेंसिंग, इसके बाद हम चलेंगे घर की ओर। तो भाई क्या है, काम होता रहता है गाड़ी का, इसलिए फेस रखते हैं गाड़ी को, थोड़ा टायर वगैरह चेकिंग के लिए हमारा बाबू आया है, जिसका नाम मोहित है, ये चेकिंग कर रहा है आज, बैठी हुई गाड़ी में देखो। तो फाइनली हो गया है अब अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, सब कुछ हो गया, अब टायर बदल के दो, अब चलते हैं घर। ठीक है, बाय 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 बाय। अब हम जा रहे हैं गाड़ी लगा दें, टायर चेंज हो गए हैं, बेफालतू में खर्चा हो गया, बंटी भाई ने गाड़ी लगा दी यार। चलिए कोई केयर नहीं, जैसा भी लिखा होता है वैसा होता है, जो होना था तो हो गया है। तो गाइस देखिए सामने है होली का दहन, ये रात को होली दहन होगा यहाँ पे, हर साल होता है होली का दहन होगा यहाँ पे। चलिए हम आ गए हैं अपनी पायल से मिलते हैं, पायल क्या कहती है। पायल से मैंने बोला था मैं 8 बजे आऊँगा, आ गया मैं 5:45, तो देखते हैं क्या कहती पायल। काफ़ी ऊँचे रहता हूँ भाई, 4th फ्लोर पे रहता हूँ, पतला पतला जीना है। रंगली देखो पायल का है, ये देखो पायल भी आ गई, होली खेलने, हाँ होली नहीं खेलने, कल है होली। तो भाई अभी पायल ने गुस्सा नहीं हुई, और रोहित कमी भी खड़ी हुई है, तो होली का जला भी ली, जला ली हाँ। रोहित कहाँ है, नहीं दिखा रही है, पायल दिखा रही है। और भाई हीरो क्या हाल है, आजकल तो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वैसे पहले फर्स्ट टाइम पूरा हो गया, वैसे पहले पॉपुलर हो गया, मतलब फर्स्ट टाइम हो गया पूरा। ये देखो पूजा हो गई हमारी, तो होली की पूजा हो गई, देखो कर लिए। ये ले लिया पटाखे, ले लिए हैं पाए नंदी, बम ले लिया, बम है नंदी, बम ले लिया ना आपने, हाँ चलते हैं मोहित के यहाँ पे, देखते हैं ऋषिका के लिए क्या है, ऋषिका कैसे होली खेलेगी, क्या करवा रहा भाई। हम आ गए फिलहाल मौसी के पास, क्योंकि हम कल भैया होली पे हम बाहर नहीं निकलते, इसलिए हम आ गए आज ही मिल लेते हैं बस। ये देखो भाई देखो क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, गेम क्या खेल रहा है, गेम खेल लगा पड़ा, देख गेम खेल रहा है, देखिए भाई सुनाई नहीं देगा, कोई बोलेगा कुछ तो है। पतंग उड़ा रहा है, पतंग नहीं उड़ा रहा, बाल्टी उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, कितनी बड़ा मोटा धागा चल रहा है अब। ठीक है भाई, कॉपीराइट की कोई दिक्कत तो नहीं है, फिलहाल अभी तो नहीं है, बाकी आगे का आगे देखेंगे। अभी ये लैपटॉप चलाता रहता है, इसे काफ़ी ज्ञान है, पढ़ा लिखा है, वैसे हमें इतना नहीं आता, बाकी एडिटिंग वगैरह इसको ज़्यादा आती है, लेकिन कह रहा काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एक वीडियो में कम से कम 2 से 4 घंटे चाहिए होते हैं, और ज़्यादा चाहिए थे बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बगैर एडिटिंग के चलाएंगे, आप लोगों को प्यार यूं ही, छोटे हो तो प्यार दीजिए, बड़े हो तो आशीर्वाद दीजिए, इसी कामना के साथ सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत हैप्पी होली, मैं और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को। तो गाइस चलते हैं, मौसी तो है नहीं,
काफ़ी देर हो गई, एक घंटा तकरीबन हो गया है ये लैपटॉप पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, कोई ऐप बनाने का सीख रहा है। क्या इस पढ़ाई को क्या कहते हैं? डेवलपमेंट हो गई, ऐप डेवलपमेंट, ये सब। चलो तो भाई ईशान को देखते हैं, ईशान वगैरह कुछ कर, कुछ ना कर रहा हूँ। ये देखो क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, हम आपस के जान की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक दूसरे की जान बेच रहे हैं। अच्छा, अच्छा। चलिए तो भाई, चलो 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 चलो। पड़ गया घूसा। मौसी तो गई काम से, हम लोग चले, चलो ना, चलो लेट हो गए। दो तीन बार रोहित का भी फोन आ गया, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, चल रहे हैं। चलो भैया बाय बाय, बटन दबा दो बस, किसी तरह की लाइट जल्दी इसमें बताओ। चलो कोई बात नहीं, चलो चलो पाए, चलो ठीक है भाई, हैप्पी होली, शुक्रिया। तो आज ही हैप्पी होली कर ली, ठीक है, हो सकता है आए कल खेल रहे होली भाई। ये छोटी सी किचन, छोटी नहीं काफी बढ़िया, मौसी की किचन है, मौसी की काफी बढ़िया सजी हुई। देखो इतने सारे नल है, नल नहीं चमचे। चलो भाई चलो, कोई चढ़ दो, लड़ दो, चलो बेटा जाओ। अबे कितने ठीक है आप, खुश? ये बैलून था यहाँ पे, बढ़िया काफ़ी सामान है यहाँ से, पायलें ले ली हैं सामान वगैरह, नंदनी भी ले ली, चलो सामान मिल गया काफ़ी। ये ड्रोन है, इसमें कैमरा कहाँ पे लगता है इसमें पता नहीं, वीडियो वाला कह रहे हो ना? हाँ हाँ, वीडियो वाला नहीं है ये, अच्छा ये खिलौने वाला है। अच्छा भाई एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, क्यों लड़ रहे हो? वो तो बेटा बड़ा मत खोलना, तो छोड़ दो बेटा, अभी दे देगा वो भाई। लड़ो मत यार, होली के दिन भाई आगे क्या है, पटाखे देखे बेटा कौन से है? नंदनी होली वाले पटाखे कितने हैं? खूब सारे हैं, पाँच में से एक एक सबके हैं, एक मेरा है, एक रोहित की मम्मी का है, एक पायल का, एक नंदनी का है। और स्प्रे कहाँ गया? स्प्रे स्प्रे भी है, दिखाइए स्प्रे कौन सा है। स्प्रे ये रहा स्प्रे, थोड़ा सा निकलेगा, मैं तो चलाऊंगा। और इसमें 500, अरे खुल गया ये तो। चलिए गाइस तो हम चल रहे हैं होली का दहन, क्योंकि 11 बजे के बाद हुआ था, तो मैं पायल नंदनी जा रहे हैं होली का दहन में, देखने चलते हैं क्योंकि पास में ये थोड़ा जाना भी सीखे, तो जा रहे हैं। होली का दहन तो हो गया है, आग देखो अभी है, देख चल चुकी है, होली का दहन हो गई है। नंदनी पायल हैं, होली का दहन, लोग भी यहाँ पे देखिएगा, ये होली का दहन हो रहा है। आज लेट हुआ है, रात को 8:15 बजे का, 11:15 बजे का मुहूर्त था, पब्लिक काफ़ी पब्लिक है। चल गई है होली भगवान, यहाँ पर सब पूजा पाठ हो रही है होली का दहन की। ये देखिए मैं भी यहीं पे आ गया, यहाँ भी होली का दहन हो रहा है, लेकिन तकरीबन 12 बज गए भाई इस टाइम अभी, ये देखो जल रही है। तो हम यहाँ भी आ गए हैं, यहाँ भी परकम्मा लगाते हैं यहाँ पे, फिर चलते हैं घर की ओर। पापा परकम्मा लगा रहे हैं, वैसे आज चंद्रग्रहण था इसलिए लेट होली का दहन हुआ है, तो हम देखने आए अपनी बेटी, दोनों बेटियों के साथ। देखियो नंदनी पायल भी यहीं पे है, ये पायल है, चल रहे हैं, चले अब चलते हैं, काफ़ी रात भी हो गई है, 12 बजे लगभग है ना, 12 बजे ना, 12 बज चुके हैं, होली का दहन हो चुका है। चलिए गाइस होली का दहन हो चुकी है, और ये देखिए पायल है, नंदनी है, सभी लोग जा चुके हैं, क्योंकि रात को बज रहे हैं 12:15, और नंदनी पायल को ले आया था। ये देखिए होली का दहन हो चुकी है, काफ़ी तेज़ आँच है आग की। चलो कोई नहीं, चलते हैं अब घर की ओर, अब क्योंकि रात में रात ज़्यादा हो गई। चलिए अब चलते हैं, गरम गरम आ गया,
नंदी ने भी लगा लिए, परकम्मा मैंने भी लगा लिए। जय होलिका दहन, सबकी रक्षा करना। इसी तरह इतना होलिका दहन हो चुका है।